भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश में अपने दौरे के दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भोपाल आने का मकसद पार्टी को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ करते हुए शाह ने कहा कि ये जोड़ी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रहेगी। श्री शिवराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, मैं बिल्कुल भरोसे से कह रहा हूं कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकलकर देश के सबसे विकसित राज्यों की सूची में अब शुमार हो गया है। हर गांव में 24 घंटा बिजली, इरिगेशन के क्षेत्रों में बढ़ोतरी, कृषि की आय कंटिन्यूअस 3-4 साल तक डबल डिजिट करना, डबल डिजिट ग्रोथ रेट 10 साल से मेंटेन करना, हर गांव के अंदर स्वास्थ्य के प्रबंध करना, लोगों को यात्रा की व्यवस्था करना, बच्चों की फीस भरना, हर क्षेत्र में विकास कैसे हो सकता है। एक मध्य प्रदेश पहले जो पिछड़ा राज्य माना जा सकता था फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिजास्टर के कारण उसको बीमारू राज्य में रखा जाता था, आज मध्य प्रदेश एक विकसित राज्यों की सूची में आया है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में की सरकार आने के बाद, शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद, मध्य प्रदेश ने जी द्रुत गति से विकास किया है वो अद्भुत है, और मध्य प्रदेश की जनता बार बार जनादेश लेकर इसकी सराहना भी करती है। मित्रों, आज देश में नरेंद्र मोदी सरकार फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हुए सभी राज्यों के विकास के लिए काम कर रही है। अगर यहाँ पर केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को जिस तरह से 106 योजनाओं को शिवराज सिंह चौहान सरकार नीचे तक पहुंचाने के लिए परिश्रम कर रही है, अहर्निश परिश्रम कर रही है, मुख्यमंत्री स्वयं इसकी देखभाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश केंद्रीय योजनाओं के सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला राज्य बना है। राम मंदिर को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आपसी सहमति या कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बनेगा। पार्टी की मीटिंग में हुई बातों को मीडिया को न बताने की बात पर उन्होंने कहा कि ये अनुशासन की बात है। पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति बैठक के अंदर अपनी बात रख सकता है, लेकिन वो बातें सार्वजनिक ना हो, इसे ही अनुशासन कहते हैं। जेडीयू के एनडीए में शामिल होने पर शाह ने कहा कि सभी दल सरकार में शामिल होते हैं। शाह ने कहा कि हर प्रदेश में वे दौरा कर रहे हैं। 2014 में जनता ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। 3 साल में विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री पद की गरिमा नीचे जा रही थी, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन, जीएसटी से एक देश एक कर का सपना पूरा किया। दुनिया आज भारत को अलग नजर से देख रही है। इसके पहले शाह ने भाजपा के विभाग और प्रकल्प संयोजकों की बैठक में 1-to-1 चर्चा की और मोर्चा अध्यक्षों से काम का ब्यौरा मांगा, लेकिन संगठन का गठन नहीं होने से उन्हें चुप करा दिया गया। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे से जब मोर्चा गठन को लेकर सवाल पूछा गया तो वह कोई जवाब नहीं दे सके। इसके बाद शाह ने उन्हें फटकार दिया। उन्होंने नसीहत दी कि अगले 15 दिन के अंदर संगठन का गठन कर लिया जाए। इसके बाद शाह सीएम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने साधु संतों का सम्मान किया और फिर उनके साथ भोजन किया। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।